अस्सलाम वालेकुम, आदाब, नमस्ते, सत श्री अकाल और गुड इवनिंग टू ऑल गिमी टीवी यूके व्यूअर्स। और आप सबको हमारी तरफ से, इंग्लैंड से, पाकिस्तान से, क्योंकि हमारे मेहमान आज इस्लामाबाद से हैं, उन सब की तरफ से खुश आमदीद आज के दर्श गुप्ता शो में। और मैं आपके साथ आपकी दोस्त और आपकी होस्ट शुगुप्ता गिमी लोधी हूँ। जनाबी आली, आज के जो मेहमान हैं उनको आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, एक ऐसी कदावर शख्सियत हैं जिन्होंने अपना मुकाम खुद बनाया और जो किसी भी तारुफ के मोहताज नहीं है। एक तरह से अगर हम ये कहें कि उर्दू अदब के लिविंग लेजेंड हमारे आज के मेहमान हैं, तो किसी तौर पे भी गलत नहीं है। हमारे साथ आज जनाब इफ्तखार हुसैन आरिफ साहब हैं, जिनको गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के आला तरीन अदबी अवार्ड जो हैं वो सारे के सारे इनकी खिदमात के सिलसिले में इनको मिल चुकी हैं, जिनमें हिलाल इम्तियाज, सितारे इम्तियाज, प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस शामिल हैं। उसके साथ साथ बेशुमार दूसरे अवार्ड मिले हैं, जिनमें काबिले जिक्र जो है वो फैज़ इंटरनेशनल अवार्ड भी है। और बेशुमार अगर मैं उन अवार्ड्स का नाम लेना शुरू करूँ और इनकी खिदमात के सिलसिले में इनको जहाँ जहाँ पूरी दुनिया में सराहा गया है, जहाँ जहाँ उर्दू जबान बोली जाती है और अदब की बात होती है, तो गलत नहीं होगा। और ये पूरा का पूरा प्रोग्राम जो है 50 मिनट का, वो उसी में हो जाएगा। तो आइए सबसे पहले हम जी खुश आमदीद कहते हैं। आरिफ भाई, बहुत बहुत शुक्रिया आपको, खुश आमदीद गिमी टीवी यूके की तरफ से। मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आपने हमें टाइम दिया, बहुत मेहरबानी। बहुत मेहरबानी, आपने याद फरमाया, बस आपका हुक्म मैं हाजिर हो गया। थैंक यू सो मच। अरे भाई, आप अगर मुझे इजाज़त दें तो मुझे आपकी कुछ शायरी का एक पीस मेरे सामने है, तो मैं आपकी इजाज़त से उसको पढ़ना चाहूँगी। फिर हमने आपसे बातचीत शुरू करनी है, तो फिर हम आपसे ही बातें आपके बाज़ुबानी सुनेंगे। आपने कहा, ख्वाब की तरह बिखर जाने को जी चाहता है, ऐसी तन्हाई कि मर जाने को जी चाहता है, घर की वहशत से लरजता हूँ मगर जाने क्यों, घर की वहशत से लरजता हूँ मगर जाने क्यों, शाम होती है तो घर जाने को जी चाहता है। और फिर कहते हैं, डूब जाऊं तो कोई मौज निशान तक न बताए, ऐसी नदी में उतर जाने को जी चाहता है। और फिर एक जगह और कहते हैं कि जैसा हूं वैसा क्यों हूं, समझा सकता था मैं, जैसा हूं वैसा क्यों हूं, समझा सकता था मैं, तुमने पूछा तो होता, बतला सकता था मैं। तो आज के शो में गिमी टीवी यूके आपसे आज पूछने की कोशिश करेगा कि आप जिस तरह के हैं तो वो वैसे क्यों हैं। तो अरे भाई, मैं आपको लेके जाना चाहती हूँ लखनऊ की तरफ। आपका अगर आप हिंदुस्तान से हिजरत करके पाकिस्तान आए थे, तो मेरा दिल चाह रहा है कि आप हमें अपने बचपन की यादें कुछ बताइए, कहाँ पैदा हुए, अपने पेरेंट्स के बारे में बताइए, और जो आपका बचपन था वो उसमें आप किस तरह के बच्चे थे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं बेहद एहसानमंद हूँ, आप मेरे शेर पढ़े और आप अरे मुझे बचपन में ले जाने की। देखिए, मैं 76 बरस का हो गया, 77 बरस का। अब आप इतने पीछे ले जाने की कोशिश करेंगी तो मैं चला तो जाऊंगा, मगर मुझे सब कुछ तो याद नहीं है। मुझे ये याद है कि मैं किस स्कूल में पढ़ता था, किस महल्ले में रहता था जी और किन मोहल्लों में रहता था। जी मेरा जो ननिहाल था वो चांदी खाना देहुरी आला मीर में था, और ज़्यादा वक्त मैंने वहाँ गुजारा। जो ननिहाल था वो जौहरी महल्ले, फिरंगी महल में गुजारा, जी और वहाँ हमारा घर। दोनों जगह जो हैं वो हमारे अजीज, इधर हमारे दो भाई और रहते हैं, और बहनें अपने अपने घरों की हैं, और इस तरफ हमारी एक बहन रहती हैं हमारे ननिहाल की तरह। तो अभी हमारे
भाई बहन वहाँ मौजूद हैं। मैंने वहीं मदरसा है फिरंगी महल का, शुरू में मैंने कुछ देर वहाँ तालीम हासिल की। और अभी मुझे ये बात कभी याद आती है कि जो फारसी की जो शुरू की गर्दान वगैरह थी वो मैं याद करता हूँ, आमद आमदंद आमदी आमदेद, तो ये मैंने वहाँ शुरू की थी। इसलिए कि बाद में तो मैं जुबली स्कूल चला गया तो वहाँ तो इसका कोई किस्सा नहीं था। और जुबली स्कूल से मैंने हाई स्कूल किया और वहीं से लखनऊ की जो बहुत ही मशहूर कॉलेज था, यहाँ इम्तिहान देकर दाखिले होते थे, तो मैंने आठवीं, अभी मैं चौथी जमात में पढ़ता था कि मैंने छठी जमात का इम्तिहान दिया और मैं पास हो गया और मैं छठी जमात से मेरा दाखिला हो गया। तो छठी से इंटरमीडिएट तक मैं जुबली कॉलेज में पढ़ा और वहीं लखनऊ इलाहाबाद जो बोर्ड था उससे मैंने इंटरमीडिएट हाई स्कूल किया। उसके बाद वहाँ मैं बीए में चला गया और लखनऊ यूनिवर्सिटी से मैंने बीए किया और वहीं से मैंने मास्टर्स की डिग्रियाँ मुकम्मल की। लेकिन जो मेरे ज़माने का जो लखनऊ था वो बहुत ही तहजीबी तौर पर बहुत ही मालामाल शहर था। वहाँ शायरी थी, वहाँ ज़बान थी, वहाँ अदब था, वहाँ मरसिए पढ़े जाते थे, वहाँ वाली की महफिलें होती थीं, वहाँ बैतबाजी होती थी, वहाँ दास्तानें सुनाई जाती थी, वहाँ कथक डांस की रवायत थी, वहाँ क्लासिकल म्यूज़िक की रवायत थी, वहाँ जोश साहब और यगाना और आरजू और मजाज और जाफर अली खां सर और अनन मुल्ला जैसे शायर थे और हयातुल्ला अंसारी जैसे और यशपाल जैसे कहानियाँ लिखने वाले थे। और मेरी ही नौजवानी में वहाँ बहुत ही हमारे असातिज़ा में अली अब्बास हुसैनी साहब और एहतशाम हुसैन साहब और हामिदुल्ला सर मेरठी साहब मेरे बुज़ुर्गों में असातिज़ा के बुज़ुर्गों में भी जो असातिज़ा थे यानी मसूद हसन रिज़वी साहब उस ज़माने में हयात थे और उनके साहबजादे नईर मसूद और इधर मिर्ज़ा मोहम्मद अतहर, इन्होंने हमें फ़ारसी पढ़ाई। उर्दू में नूरुल हसन हाशमी मेरे बराह रास्त उस्ताद थे, एहतशाम हुसैन साहब जो तरक्की पसंद तहरीक के रूह रवां थे वो मेरे बराह रास्त उस्ताद थे। और मेरे डॉक्टर रिजवान अलवी जो मेरे मोहसिनों में थे जिन्होंने मेरी बहुत सरपरस्ती फरमाई यूनिवर्सिटी में भी और कॉलेज में भी। तो मेरे ज़माने का लखनऊ तहजीबी तौर पर बहुत ही सरवतमंद शहर था और वहाँ पर बैतबाजी की महफिलों से और मुकाबलों से और तकरीरी मुकाबलों से मैंने शायरी सीखी और उसका जो किस्सा शुरू हुआ। तो मैं अपने ज़माने तालिब इल्मी में शेर कह लेता था, टूटे फूटे तुकबंदी कह लीजिए आप उसे। किस उम्र में आपने शेर कहने शुरू किए, स्कूल के ज़माने में या कॉलेज में? एक जिस ज़माने में मैं स्कूल में पढ़ता था तो एक मेरी गज़ल छपी हुई है उसमें लिखा हुआ है इफ्तिखार हुसैन। अब उस ज़माने में मैंने तखल्लुस शुरू कर लिया था। अच्छा। इफ्तिखार हुसैन आरिफ तालिब इल्म दर्जा हफ्तम पढ़ता था और बिल्कुल ऐसे तुकबंदी होती थी, मगर उस ज़माने में असातिज़ा बहुत हौसला अफजाई करते थे। बैतबाजी में मुझे बहुत अशआर याद थे, फिर मरसिए की और सोज़ खानी की और मजलिसों की रवायतें थीं उसमें हम जाते थे, कव्वाली की महफिलों में जाते शेर सुनते थे। तो उस ज़माने में कव्वाली में सिर्फ फारसी की ज़्यादातर कलाम पढ़ा जाता था और अवधी, क्योंकि लखनऊ में अवधी की एक रवायत थी तसव्वुफ़ की, हमारे बहुत से चिश्ती सूफिया जो बुज़ुर्ग थे वो देहात से ताल्लुक़ रखते थे और उनका गांव में और
उस तो गालिबन उनकी रवायत में तो जो कव्वाल थे वो अवधी चीज़ें भी गाते थे और पढ़ते थे, और तो जो ये जो नशस्त बर्खास्त की अदब आदाब मुशायरे के अदब आदाब ये हमने वहीं से सीखे क्या, वो तो जब आप किसी जगह पे रहते हैं जो लफ्ज़ आप सुनते हैं तो बस वो आप बोलने लगते हैं, जो आपने जिसे आप अंग्रेजी में आप यहाँ रह रही हैं उसको कहते हैं वी वर बॉर्न इन द लैंग्वेज, वो आप जबान में पैदा होते हैं, तो जबान का वो इलाका था जहाँ जबान और अदब की बहुत ही ठोस रवायत थी। यानी मैं ही नहीं, जो भी बच्चे उस जमाने में थे और नौजवान उस जमाने में थे और बच्चियाँ उस जमाने में थी, वो सब उसी तरीके से कम व बेश शायरी का ज़ौक रखती थी और अदब का ज़ौक रखती थी और तसव्वुफ का और आज़ादारी का और तहजीब के अदब आदाब, उठना बैठना, नशस्त बर्खास्त, गुफ्तगू कैसी होनी चाहिए, कैसे बैठना चाहिए, महफिल में कैसे आना चाहिए, कैसे सलाम दुआ, जो ज़िंदगी गुजारने के उसलूब होते हैं वो सब आप देख कर कोई आपको बतलाता नहीं है मगर आप सीखते चले जाते। और आप बच्चे कैसे थे, कुछ शरारती बच्चे थे या आप थोड़ा संजीदा कैसे थे? मैं शरारती बच्चा नहीं था और कुछ ऐसे खानदान के हालात थे, अब उस पर कोई मैं इसमें मुनासिब नहीं होता बुजुर्गों के बारे में कोई तलख बात करनी, अब रुखसत हो गए परवरदिगार आलम उनकी मग़फ़िरत करे, लेकिन मैंने बहुत अकेली ज़िंदगी गुजारी और ज़्यादा वक्त मैंने अपने मरहूम नाना के साथ गुजारा, तो जो नाना थे वो काम पर चले जाते थे और मैं यानी स्कूल और कॉलेज वगैरह में, और उस ज़माने में काम की जो नौइयत होती थी वो बहुत ही मुख्तसर, यानी समझिए 9 बजे फर्ज कीजिए कोई आदमी काम पर गया तो मगरिब तक घर पर वापस आ जाता था, और कोई जो खाने पीने की खूबसूरतें होती थी, अब हमारे यहाँ तो आजकल कई दफ़ा खाने की रवायत हो गई है, वहाँ तो उस ज़माने में तो बस सवेरे नाश्ता होता था और फिर खाना होता था, और यानी गरीब घरानों में तो कोई मैं जिससे मेरा ताल्लुक था वहाँ ये तीन चार चार दफ़ा खाने की रवायत तो नहीं थी, यानी मैंने नहीं देखी। सवेरे नाश्ते में इस कदर यानी जो भी होता था वो करके हम कॉलेज चले जाते थे, यूनिवर्सिटी चले जाते थे, और फिर वहाँ से शाम में जब खेल कूद कर आते थे और पढ़कर और कॉलेज आकर और फिर खेलने चले जाते थे, शाम को खेलना जो था यानी मैं फुटबॉल खेलता था या हॉकी खेलता था तो वो शाम को ही कॉलेज से आने के बाद जाता था, और फिर मैं उस ज़माने में भी अपनी नौजवानी में भी बगैर किसी दबाव के नमाज पढ़ता था और मस्जिद में नमाज पढ़ता था, यानी घर में नहीं, और बल्कि मुझे याद पड़ता है कि गरीबों के महल्ले में जो 3 मस्जिदें थी हमारे इलाके में और एक मस्जिद जो थी वो मेरे कॉलेज में थी, और कॉलेज से ज़रा बाहर दीवार के इस तरफ को मस्जिद थी और दरवाज़ा एक था जिससे कॉलेज से हम वहाँ आकर नमाज पढ़कर और फिर कॉलेज में जा सकते थे और वहाँ से लोग पढ़ने आ जाते थे, और तो अब मुझे ये याद है कि कभी ऐसे भी होता था कि अकेले 2-3 आदमी ही नमाज़ पढ़ लेते थे। अच्छा, पाकिस्तान बन चुका था, बहुत से लोग जो थे वो हिजरत करके पाकिस्तान आ गए थे, लेकिन बहुत से लोग ऐसे थे कि जो पाकिस्तान नहीं आए थे, और उसमें बहुत से असबाब हैं, यानी बहुत से पढ़े लिखे लोग जो थे वो तो सब
जो नौकर पेशा लोग थे, सरकारी मुलाजमत वाले, वो मुंतकिल हो गए थे, जिनको ये इम्कान था कि वो कारोबारी इतबार से मुनासिब थे, पैसे वाले लोग थे, वो चले गए थे, आ गए थे पाकिस्तान आ गए। लेकिन जो समझिए बहुत ही मुतमविल लोग थे जिनके वहाँ पर असासे थे, वो समझिए वहाँ रुक गए थे, या वो जो लोग गरीब थे और हिजरत नहीं कर सकते थे वो वहाँ। तो मैंने तो मैं तो जब एमए मैंने कर लिया उस वक्त मैं पाकिस्तान आया, और 1965 में जब मैंने मास्टर्स किया तो इम्तिहान के बाद मैंने अपने नाना से कहा कि मैं पाकिस्तान जाऊंगा, और जो मेरे वालिद थे वो उसके हक में नहीं थे। अच्छा, आने के हक में नहीं थे। और क्या वजह थी आपने नाना से कहा कि मैंने जाना है पाकिस्तान, और आपके वालिद साहब हक में नहीं थे, और आप क्यों आना चाह रहे थे पाकिस्तान उस वक्त? पाकिस्तान जी बहुत सी सूरतें थी, बहुत सी बातें ऐसी होती हैं कि जो आपका टीवी जो है वो शायद उसके लिए बरमला, उसका इजहार आपके लिए मुनासिब ना हो, लेकिन आप पूछ रही हैं तो मैं कहता हूँ। जरूर बताइए, सही बताइए। जमाने में मुझे ये एहसास था कि यहाँ पर पाकिस्तान बनने के बाद जो मुसलमान वहाँ रह गए हैं, और जो जबान बोलते हैं और जो तहजीब है उसका वहाँ बचना मुश्किल है, और वहाँ उसकी पाबंदी मुश्किल है। यानी समझिए मेरे नज़दीक फौरी तौर पर एक नौजवान को तो ये होता है ना कि जब वो पढ़ लेगा तो उसका मुस्तकबिल, इमीडिएट जो बात होती है कि उसका मुस्तकबिल क्या होगा। तो मैं देखता था कि जो मुसलमानों का कोई मुस्तकबिल मुलाजमतों में, सरकारी मुलाजमतों में नहीं है। और अच्छा, मुमकिन है मैं गलत समझता हूँ, हो सकता है, लेकिन मेरा यही ख्याल था। और मैंने ये भी देखा कि यहाँ पर जो मुसलमान मसलन उर्दू है, जैसे जी जी उर्दू की जगह पर हिंदी को लाया जा रहा था, और यानी खुल्लम खुल्ला जो मुसलमानों को, यानी कोशिश की जा रही थी कि इन्होंने पाकिस्तान बनाया है या बनाने में ये मुआविन रहे हैं, तो इसलिए मुझे ख्याल था कि ये यहाँ मेरे लिए कोई मुस्तकबिल में कोई गुंजाइश नहीं है। और दूसरे, जैसे मैंने आपसे पहले भी अर्ज किया कि मैंने ज्यादा अपनी जिंदगी जो थी वो अपने नाना के यहाँ, तो मेरा हक बनता था कि मैं उन्हीं से अपने मुस्तकबिल के बारे में, तो उन्हीं को एतमाद में लूँ। और वो एक इस कदर यानी समझदार आदमी थे, और इस कदर लायक आदमी थे, वो पढ़े लिखे आदमी नहीं थे, मगर तमाम जिंदगी उन्होंने मुझको किताब में जोड़े रखा। वो मजदूरी करते थे, और मजदूरी करके जो पैसे मिलते थे वो उन्होंने, यानी मुझे ये कहना चाहिए कि जो दर्सी किताबें होती हैं उसके अलावा गैर निसाबी किताबें खरीद के लाना, उस जमाने में रद्दी बिकती थी, वहाँ चले जाते थे नखास, और नखास से पुरानी किताबें खरीद लाते थे, यानी जैसे मीर का दीवान खरीद लाए, या गालिब का, मीर अनीस का कुछ दीवान ले आए, गुलदस्ते मुशायरों के मिलते थे, एक एक मुशायरे के कि गजलें जहाँ छपती थी उसको गुलदस्ता कहते थे, तो वो शायरों के गुलदस्ते खरीद लाते थे, और वो मुझे उसमें से शेर याद कराते थे। फिर तिलिस्म शुबा और ये जो दास्तान है अमीर हमजा है, ये वो रद्दी से खरीद लाए थे, और क्या करते थे कि बुजुर्ग जमा हो गए चार पांच शाम के वक्त, यानी रात के वक्त, जैसे वहां तो मगरिब की अजान के वक्त रात हो जाती थी, तो चिराग जला, और हमारे यहाँ रोशनी बिजली तो थी नहीं, हमारे यहाँ लालटेन थी, तो जैसे ही शाम होती तो बाबा के पास लोग, मैं बाबा कहता था अपने नाना को, तो वो लोग जमा हो जाते, और जैसे एक बड़े से कूड़े में आग रोशन कर दी जाती,
अच्छा और वो मुझसे कहते कि मैं ये कोई नॉवल जो है वो कोई जैसे शराय लखनवी के जो इस्लामी तारीख के नॉवल थे, इस ठीक जमाने में एक बुजुर्ग वक्त उनका नाम था साजिद हुसैन सर जंगली, अच्छा उनके नॉवल होते बहुत मुझे याद पढ़ते हैं, तो उनके नॉवल होते थे और वो बिल्कुल यानी मुस्लिम इस्लाही नावल आप कह लीजिए, तारीखी नावल, ठीक वो ठीक तारीख तो उसमें कम होती थी मगर एक खास तरह का जज्बा होता था उस वो अच्छा वो उस पढ़ाते थे। मैं अच्छा जहाँ मुझसे फर्ज कीजिए तलफ़ उसकी कोई गलती हो, कोई लफ्ज़ मैं गलत पढ़ जाऊँ या तलफ़ गलत कर जाऊँ तो वो बुजुर्ग वहाँ तशरीफ़ फरमा होते थे, वो मेरी तस्सीह कर देते थे, इसलाह कर देते थे। तो जो वाह मेरी अच्छा चुनाचे अपने बचपन की जो लुगत मेरी थी बोलने के जो अल्फाज थे और जो जखीरे अल्फाज था वो भी मेरा काफी वसी बस्ती था था। बचपन के एतबार से, ज्यादा अल्फाज आ गए थे। अच्छा मदरसे में पढ़ा था तो मदरसे की खास लुगत होती, मुझे अब तक याद है कि एक दफा कसौटी मैं क्विज प्रोग्राम पाकिस्तान टीवी से करता था, जी तो एक रोज मैं प्रोग्राम करके लाइव प्रोग्राम होता था, तो जी जी अल्ताफ गौहर साहब जो थे वो सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन होते थे, तो बहुत उनका रोब दबदबा था, वो कराची टीवी तशरीफ लाए तो एक दिन उनसे कहने लगे कि दो आदमी आपस में गुफ्तगू कर रहे थे और दोनों अपने हम मनसब होंगे या छोटे होंगे बड़े, उन्होंने मुझे बुलाया और बुला के उससे पूछा कि इफ्तिखार आप कसौटी में हाँ या नहीं में जवाब देते हैं, हाँ या नहीं में जवाब दीजिएगा। अच्छा ये हैरत हुई कि क्या चुनाव सवाल उन्होंने पूछा कि आपने क्या इब्तदाई तालीम मदरसे से हासिल की है, तो मैंने कहा कि जी हाँ। तो गौर साहब ने कहा कि मैंने इनसे ये कहा था कि ये जो लड़का है कसौटी में उबैदुल्ला बेग के साथ आता है ये मदरसे का पढ़ावा है, इसलिए कि ये वो जबान बोलता है वाह मदरसे में पढ़ी रहता है। खैर तो ऐसे लेकिन चुनाचे मुझे जो आप पूछ रही थी ना खेल कूद का, हाँ जी हाँ जी तो खेलने का तो बस जो जैसे कॉलेज की मैं टीम में था, यूनिवर्सिटी की मैं टीम में, ये मैं सामने मेरे घर की तस्वीर लगी हुई है इधर आपसे जो मैं गुफ्तगू कर रहा हूँ इसके बिल्कुल सामने, जी जिसमें यूनिवर्सिटी का मैं कलर पहने हुए हूँ और मेरे एक वाह दोस्त हैं उनके साथ तस्वीर लगी। तो मैं फुटबॉल खेलता था, हॉकी खेलता था, दौड़े स्प्रिंटर था अच्छा यानी ठीक हाफ सेकंड जंप करता था, लॉन्ग जंप करता था। अच्छा लेकिन वो सब पढ़ाई के साथ साथ करता था, पढ़ता भी था और करता भी था। अच्छा इसके अलावा जब गर्मियों की छुट्टियां आती थी तो सब लोग बड़े घरानों के जो बच्चे होते थे वो तो कोई नैनीताल चला जाता था, कोई दार्जिलिंग चला जाता था, कोई जैसे हमारे यहाँ मरी चले जाते हैं पाकिस्तान में, जी और जैसे रंथिया गली चले जाते जी हैं, जी कोई जी हाँ तो वहाँ गोवा पर चले गए जी जी हाँ, तो वहाँ पर नैनीताल चले जाते थे, मसूरी चले जाते थे, जी दार्जिलिंग चले जाते थे। अच्छा हमारे पास तो पैसे ऐसे थे नहीं, तो हम तो कोई वहीं रहते थे, तो गर्मियों की छुट्टियों में एक वहाँ लाइब्रेरी थी उस बहुत बड़ी नवाबों की लाइब्रेरी थी, नवाब रोशन दौला एक वजीर आजम थे सल्तनत अवध के, बहुत अच्छा जी बड़ा किताब खाना था, तो वो किताब खाना अभी भी है अच्छा जी दौड़ा लाइब्रेरी लखनऊ में कैसरबाग के समर्थक। तो मैं वहाँ चला जाता गर्मियों की अच्छा छुट्टियों में सवेरे से, जैसे सवेरा होता बाबा काम पर चले जाते तो मैं जैसे नाश्ता करके और लाइब्रेरी चला जाता था, और वहाँ गर्मियों में वहाँ पंखे लगे हुए होते थे तो मैं यदि गर्मी घर में तो पंखा वगैरह था, तो वहाँ कोई किताब अपनी मर्जी की यानी शायरी की तारीख की जो मेरी पसंद
पसंद की चीज़ें होती, नावल कोई अदब कोई ऐसे किताबें पढ़ता रहता था। इस तरह से जी जी इस तरह से आपका अदबी ज़ौक जो है, तो अगर मैं ये आपसे पूछना चाहूँ, आपका जो बचपन जो आप बता रहे हैं और एक जिस तरह से आपके नाना जान का इन्फ्लुएंस आप पे रहा, अगर हम उस जमाने को आज के जमाने के साथ, क्योंकि मैं इसलिए ये सवाल कर रही हूँ यूथ को पता चले, इतने बड़ी शख्सियत इफ्तिखार आरिफ साहब का बचपन जो है वो जिस तरह से गुजरा और उसके बाद एक एक लिविंग लेजेंड आप बने और अभी भी हैं, तो इसमें बचपन का, क्योंकि हमारे यहाँ रिसर्च है ना कि पहले 5 साल जो हैं वो बड़े इम्पॉर्टेंट होते हैं बच्चे की पूरी उसकी जहनी, उसकी जिस्मानी, उसकी इमोशनल, और 5 एरियाज हैं जिनके ऊपर बहुत इफेक्ट पड़ता है। तो क्या वजह है कि आज का जो बच्चा है वो बेशक इंग्लैंड का बच्चा हो, बेशक वो हमारे इंडिया पाकिस्तान का हो, वो क्यों महसूस करते हैं अगर उनको कोई फैसिलिटीज कम मिल जाएं तो वो उनको कॉम्प्लेक्स में क्यों आ जाते हैं, ऐसा से कमी जो है वो ज्यादा कुछ नोटिसेबल है, आपका क्या ख्याल है, ये क्या वजह है? मैं कह नहीं सकता, लेकिन जो मेरा ख्याल है और यानी शायद मैं ज्यादा अपने बारे में ज़्यादा जानता है, आदमी अपने बारे में गलतफहमी का भी शिकार होता है और उसने अपने बारे में कुछ सोच रखा होता है, लेकिन ऐसे मुझे लगता है कि जैसे अल्लाह सुब्हान ताला जो है वो हर आदमी के लिए कोई एक रोड मैप बनाते हैं और वो ये करते हैं कि ये बच्चा जो है शुरू से उसके लिए यहाँ होगा, ये करेगा, यूं करेगा, ये करेगा, यूं करेगा, से करेगा, और अल्लाह सुब्हान ताला कभी किसी शख्स में कोई ऐसी ख्वाहिश, ऐसी तमन्ना, कोई ऐसी आरजू, कोई ऐसा एम नहीं रखता जिसको हासिल करने की सलाहियत और लियाकत उसमें पहले से न रख दी गई हो। दूसरी बात, जैसे आपने फरमाया कि बचपन में ये फैकल्टीज होती हैं जिनको देखना चाहिए और करना चाहिए, जी। अपना ख्याल ये है कि जिंदगी में 15 बरस से 25 बरस की उम्र तक का जो अरसा होता है, ये वो जमाना होता है जब आदमी अपने जज्बे से वाकफियत उसको हो रही होती है, अपनी जो शख्सियत की बहुत से यानी ख्वाब देखना शुरू करता है, फर्ज कीजिए अपनी यानी मर्द और औरत सब अपनी ज़रूरतों को महसूस करने लगते हैं, एहसास बहुत से उसके अंदर पैदा हो जाते हैं, उसकी फिज़िकल डेवलपमेंट भी होती है। तो अगर 15 से 25 तक वो चैनलाइज नहीं होता तो फिर मैं ये देखता हूँ कि फिर ज़िंदगी में वो कभी भी सेटल इन नहीं हो सकता। मेरा ख्याल ये है, मुमकिन है मैं गलत कहता हूँ। बिल्कुल सही आप सही कह रहे हैं। यही वो जमाना होता है जिसमें गुमराह हो जाता है या किसी और रास्ते से भटक जाता है, या ये कि सही रास्ता नहीं अख्तियार कर पाता या मेहनत नहीं करता या एक तरफा हो जाता है, तो वो तवाज़ुन जो ज़िंदगी का है वो खो जाता है। लेकिन अगर इस अच्छा मैंने जैसे आपसे गुजारिश की कि मुझमें बहुत सारी कमज़ोरियां हैं, हर इंसान में होती हूँ, तो मैं अपनी कमज़ोरियों के बारे में सोचता हूँ। अब मैं इतना उम्र के इस मरहले में हो गया हूँ तो मैं पलट के अपने आप को देखता हूँ तो मैं हंस देता हूँ कि ये मुझमें ये कैसी मैंने फजूल बात की थी, मैंने तो रेक्टिफाई तो नहीं कर सकते। लेकिन अभी जैसे फर्ज कीजिए, जैसे मसलन अपनी औलाद होती है तो एक बेसिक कॉन्फ्लिक्ट पैदा होता है औलाद के साथ, आपकी औलाद आपकी तरह नहीं होती, ठीक, आप चाहते हैं कि वो आपकी तरह हो जाए, ठीक है ना जी। तो एक
तशादुम होता है कि ये आप चाह रहे होते हैं, आप चाह रहे होते हैं कि जैसे मसलन मेरी दो दो मेरी एक बेटी एक बेटा है, जी तो शुरू में मेरी ख्वाहिश थी कि ये लोग भी मेरी तरह से अदब या आर्ट्स में कहीं आए। जी दोनों में से कोई नहीं आया, दोनों ने मेरी यानी आप समझिए मेरा जो सबसे कमजोर डिसिप्लिन था वो मैथ्स था। हाँ जी ठीक है। मेरे बच्चों ने दोनों बच्चों ने मैथ्स एंड फर्दर मैथ्स फिर उनको हो सकता अपनी वालदा की तरफ से वो जीन्स आ गई हो ये भी तो मैं नहीं सकता, मैं नहीं मान सकता ये कि मुमकिन है उनकी वालदा ने मैथ्स में किया हुआ था, वो अच्छी थी मैथ्स में, मगर मैथ्स और फर्दर दोनों ने मैथ्स और फर्दर मैथ्स किया। अच्छा, अब मेरी ग्रैंड डॉटर है जी, मेरी एक बेटा भी है, ग्रैंड डॉटर भी है, और इधर दो बच्चियां हैं, मेरी पोती दोनों पोते हैं, तो उनमें से एक पेंटर है एक शायरा है। वाह, यानी एक जो है वो मेरी जो सबसे छोटी ग्रैंड डॉटर है शी इज ए वेरी फाइन पेंटर, और तो मेरी नवासी है ज़ैनब, वो तो उसकी तो एक किताब भी छपी हुई है माय पोएम्स, तो एंड शी राइट्स माशाल्लाह, शी इज अ जर्नलिस्ट, उसने ग्रेजुएशन की हुई है ऑक्सफोर्ड से, तो वो वहीं लंदन में रहते हैं जी, लेकिन जैसे वो मेरी तरह से नहीं है, हो सकते भी नहीं है ना, लेकिन हम चाहते हैं कि वो हमारी तरह के हो जाएं, वो अपनी तरह के मुख्तलिफ लोग हैं, उनको हक था कि वो मुख्तलिफ होते। बिल्कुल। अच्छा, मैं आप तो इंग्लैंड में भी पूरे 13 साल तक आप इंग्लैंड में रहे और आपने उर्दू मरकज में भी बहुत कुछ काम किया, फिर आप 1990 में आए थे, तो इंग्लैंड का जो काम आपने किया और उसके बाद फिर आपसे मुलाकात मेरी हुई थी फैज कल्चर फाउंडेशन का जो है, तो आप अभी कह रहे हैं कि मुझे अपनी कमजोरियां, आप इतने नफीस इंसान हैं, इतने आप थके हुए थे इसके बावजूद भी आप इतने प्यार से इतनी हलीमी से और हर किसी को आप मिल रहे थे और सारे ही दोस्त वहाँ पे थे, और मैं बल्कि मैंने कहा भी अपनी एक दोस्त को उमा ब्राइस को कि मैंने कहा आरिफ भाई देखें बिल्कुल ना नहीं करें, और आप बहुत टायर्ड थे एक दिन पहले ही आपने लैंड किया था, इसके बावजूद आप कह रहे हैं कि भी मेरी कोई मिस्टेक हो सकती है या कुछ है, जबकि लोग हर बंदा मतलब जो आपसे एक दफा मिल चुका है वो आपको जानता है, ये जो हलीमी और ये आजिजी क्या ये भी आपकी तरबियत का हिस्सा थी या कुछ आपने खुद से भी सेल्फ लर्निंग भी की? देखिए मैं तो जैसे कोई मुझे एक छोटा सा जो कंचे खेलते हैं, कंचे हाँ जी, हाँ जी, वो यूं करके कंचे यूं मारते ये मुझे याद मुझे एक दफा याद है कि मैं कंचे खेल रहा था तो एक महल्ले के बुजुर्ग गुजरे, अच्छा, और उन्होंने मुझको यानी सब बच्चों को डांटा, तो और मगर मुझे उन्होंने एक चपेट भी लगाई, अच्छा चपेट भी लगाई, अच्छा अच्छा और खैर, तो मैंने देखा कि जो मेरे नाना आए, जब ये छोटी छोटी छोटे छोटे महल्ले होते थे सबको पता चल जाता था, तो मगर मेरे नाना ने उनको एक बात भी नहीं कही, और कहा कि अच्छा किया उन्होंने ये किया, तुम महल्ले में क्यों गच्चे खेल रहे थे, अच्छा अब सब बच्चे खेलते थे हम भी खेल रहे थे, लेकिन मसलन ये भी था कि महल्ले के जो बुजुर्ग थे उनका एहतराम उन्होंने मुझको सिखाया, यानी खुद करके दिखाया कि जैसे करते, अल्लाह मुझे माफ फरमाए, उनमें एक महल्ले में हमारे दो नवाबों के घर थे, अच्छा, अब वो जब महल्ले से गुजरते थे तो लोग
अच्छा, जो नाना मेरे थे वो कोई उनसे उलझते नहीं थे, लेकिन ऐसे मुझे महसूस होता था कि जैसे वो इज्तनाब करते हैं उनसे मिलने में, इज्तनाब करते हैं और बचते हैं कि उनके सामने जाएं। अरे कोई झगड़ा फसाद नहीं, ये नहीं, बस ऐसे ही था कि कोई अच्छा। और जो दूसरे जो लोग थे उनसे वो बहुत ही उससे शफ़क़त से मिलते थे। मेरे घर के नीचे बहुत से बच्चे रहते थे खानदान के, जो मेहनतकश तबके के, और वो पढ़ते लिखते नहीं थे और मेरे पास तो पैसे भी नहीं थे, लेकिन मैं जो भी थोड़े बहुत पैसे मिलते थे मैं उनके लिए किताबें ले आता था और मैं उनको उनको लपेट पाता था, उनको पढ़ाता भी था, उनको मारता पीटता भी था। और मैं उनकी जो माएँ थी वो मुझे कुछ नहीं कहती थी और वो मुझसे मोहब्बत करती थी। मैं यूनिवर्सिटी जब जाने लगा तो हमारी भाभियाँ जो थी वो दे यूज टू लुक आफ्टर मी। अच्छा, मैं आपको एक बात बताऊँ, मैं जी ये आपके लाना चाहता हूँ। जी जरूर जरूर रिकॉर्ड होंगे मेरे जी। बारे में मुझसे कहते हैं कि आप खुद बहुत ही अच्छा लिबास, यानी अच्छा लिबास में कुछ कहते कुछ नहीं, आप वाकई बहुत खुश लिबास हैं, देखिए माशाल्लाह आज भी आपने जो शेरवानी पहनी। मैं आपसे गुजारिश करूँ, मैं आपके जरिए उनको अपने दोस्तों को याद करना चाहता हूँ। जी जरूर तो एक कानून था कि सब बच्चे जो हैं वो 5वीं जमात तक सब पढ़ेंगे ठीक जबरदस्ती, अगर नहीं जाएंगे तो उनको यानी मुकदमा करना पड़ेगा, का सामना करना पड़ेगा, अदालत जाना पड़ेगा। तो मेरे साथ जो देहा जो मेरे महल्ले में जहाँ मैं रहता था उसके अतराफ में धोबी रहते थे बहुत से, ठीक और रशीद और मजीद और वगैरह वगैरह, और उनकी बहनें जो हमारी बहनें थी और उनकी बीवियाँ जो हमारी भाभियाँ हुई बाद में। तो मेरे घर से इस तरफ को उनके छोटे 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 घर थे, तो हमारे पास थोड़े से तो कपड़े थे, तो जो कपड़े हम उतारते थे तो उधर से आवाज आती थी कि भैया कपड़े फेंको। तो वहां पर जो बड़ी औलाद होती है उसको भैया कहते होते हैं, जी। चढ़ाने के लिए कराची में अभी भी भैया कहते थे, नहीं कहते हैं। लेकिन पहले तो जी बिल्कुल सही कह भैया रहे। कहते। तो मैं उसमें घोड़ा बनाकर और दीवार के उस तरफ को उछाल, हाँ फर्ज कीजिए 2 कमीजें, 2 नीकरें होती थी, नीकर पहनते थे और ठीक पतलून होती थी, फेंक देते थे। शाम में वो कपड़े धुलकर जब वो लोग वापस आते थे, जैसे धोबी वापस आते थे अगले दिन या उसी दिन शाम को, उसी दीवार पर एक आवाज आती थी, भैया कपड़े उठा लो। तो उसी दीवार पर इस्त्री किए हुए कपड़े रखे हुए होते थे। चुनाच उन्होंने मुझको कभी भी, यानी कोई कम कपड़े होते थे मैं साफ कपड़े होते थे, और वो मुझको यानी मेरी आदत बन गई कि मैं अब परवरदिगार आलम ने मेरे इतने वसाइल कर दिए कि मैं एक जैसे जैसे साफ कपड़े पहन सकता हूँ, कीमती कपड़े चाहे ना हो लेकिन शिकन आलूद कपड़े मैंने नहीं पहने, वाह ऐसे होता है ना जैसे कोई दागदार कपड़े मैंने नहीं पहने। वाह तो ये अच्छा, ये उनकी वजह से उन्होंने मेरी ये आदत डलवाई, बिल्कुल इसी तरीके से कि मैं जाता था अपने असातिज़ा के यहाँ। अब जैसे उनके यहाँ मैं बैठा हूँ और कोई किताब देखी पढ़ने लगा तो वो मुझे कहते थे कि इफ्तिखार ले जाइए ये पढ़ के दे दीजिएगा। महल्ले में एक आना लाइब्रेरी होती थी तो एक आने की एक किताब मिलती थी। ये जो जासूसी दुनिया है और एक चीज़ होती थी रूमानी दुनिया और जासूसी दुनिया, जी और ये नई नई इमरान सीरीज शुरू हुई थी जी बिल्कुल हमारे जमाने में। जी। तो ये 3 रिसाले ऐसे निकलते थे कि जिनके लिए बड़ी कोशिशें की जाती थी और वो 4 आने पर डे के हिसाब से मिलती थी। तो
वो क्या करते थे जो हमारे किताब खाने वाले थे, ये कहना लाइब्रेरी वाले, वो बाकायदा बेचारे छुपा के रख लेते थे। अच्छा, बाज़ औक़ात ऐसा होता था कि जैसे छुट्टियों के दिनों में मैं एक नावल फर्ज कीजिए एक ही दिन में ख़त्म कर लूँ कोई किताब, या मुझे अच्छी नहीं लगी मैं वापस करना चाहूँ, तो वो उसी एक आने में मुझे दूसरी किताब दे दी। अच्छा, नतीजा ये हुआ कि लाइब्रेरी पढ़ना, लाइब्रेरी से किताबें लेके पढ़ना, रद्दी की पुरानी किताबें खरीद के पढ़ना, बाबा ने एक आदत डाल दी हुई थी। चुनाचे आज इतने बरस हो गए, अब मैं इतनी यानी मुलाजमत से फारिग हुए भी इतने दिन हो गए, कभी ऐसा नहीं होता कि मैं फर्ज कीजिए सब मेरे लोग जानते हैं जो यहाँ मेरे साथ काम करते हैं वो भी जानते हैं, जो मेरे खानदान के लोग हैं वो भी जानते हैं, घर वाले भी, कि जो अब्बू जो हैं वो रात को सोने से पहले चंद सफ़े पढ़े बगैर नहीं सोते, चाहे मैं देर से मुशायरे से पलटूँ या किसी दावत से पलटूँ, पढ़े बगैर दो चार सफ़े मैं नहीं सोता। अब मुझे कोई यानी मैंने मुलाजमत के लिए नहीं पढ़ा, मैंने तो मुझे तो लुत्फ आता है पढ़ने से, रोज़ कोई एक चीज़ मालूम हो जाती है, कोई एक लफ्ज़ सीख लेते हैं, कोई एक जुमला बनाने की कोशिश करते हैं कोई, तो किताब जो है अल्लाह की बड़ी बड़ी नेमत है। गालिब ने एक खत में अपने किसी दोस्त को लिखा कि जो आदमी की का शौक़ हो और अगर वो शौक़ उसका वसीले रिस्क हो जाए तो अल्लाह की इससे बड़ी नेमत नेमत और ऐश नहीं होता। चुनाचे मुझे किताब से दोस्ती थी, तो मैं देखिए पाकिस्तान टीवी में रहा तो मैं स्क्रिप्ट एडिटर था किताब, उर्दू मरकज में रहा वहाँ आपके इल्म है कि मैंने पिकरेली में एक लाइब्रेरी बनाई थी, उसका नाम था खलीजा मस्तूर लाइब्रेरी, सुबह से शाम तक वहाँ किताबों की बातें होती थी, किताब वाले किताबों से ताल्लुक़ रखने वाले लोग आते जाते रहते थे। पाकिस्तान आया मैं, पाकिस्तान एकेडमी ऑफ लेटर्स का चेयरमैन रहा मैं, मुक्तदरा कौमी ज़बान का चेयरमैन रहा मैं, नेशनल बुक फाउंडेशन का बिल्कुल बड़ा रहा। उसके बाद मैं रिटायरमेंट के बाद 70 बरस की उम्र में जब मैं रिटायर हुआ तो मुझे हुकूमत की तरफ से नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ मॉडर्न लैंग्वेजेस में प्रोफेसर मुकर्रर किया गया, और फिर वहाँ से मुझको ECO का प्रेसिडेंट मुकर्रर करके तेहरान भेज दिया गया, वो भी किताबों और किताबें जी हाँ, तो अल्लाह ने बहुत करम फरमाया और बहुत ही जी क्या किताब बात है, से बड़ा बड़ा लुत्फ आ रहा है आपसे बात करते हुए। मैं एक सवाल, मुझे एक बहुत क्यूरियोसिटी है कि आप क्या समझते हैं इलाकाई जबानें और उर्दू जबान के दरमियान अब आने वाला वक्त जो है वो क्या इनमें प्यार का रिश्ता बढ़ेगा या गैप होगा? देखिए दो बातें, पहली बात तो ये कि मैं इराकाई जबान का जो लफ्ज़ है ये नहीं मैं इस्तेमाल करता, ये भी अल्लाह का शुक्र है कि मैं इसका मैंने पाकिस्तान में इलाकाई जबान के बजाय पाकिस्तान एकेडमी ऑफ लेटर्स में जब मैं चेयरमैन था उस वक्त पाकिस्तानी जबानों का लफ्ज़ इस्तेमाल किया। वाह, बहुत इलाकाई अच्छा। जबानों में ऐसे मालूम होता है कि जैसे आप किसी हाँ को अकोमोडेट कर रहे हैं, जैसे आप कोई कि एक कोई कोई जबान इलाकाई नहीं होती, नहीं होती, बहुत अच्छी। तो पाकिस्तान में इस वक्त देखिए छोटी जबान कोई नहीं होती, बड़ी जबान कोई नहीं होती, इस वक्त मसलन आप अंग्रेजी बोल रही हैं जी बिलाशुबा, इस वक्त अंग्रेजी सारी दुनिया में बोली जा रही है। अच्छा, हर जमाने में कुछ जबान एक आध जबान ऐसी होती है जो गालिब जबान होती है उस तहजीब की, चुनाचे कभी फारसी थी, कभी अरबी थी, कभी मसलन संस्कृत थी, कभी लैटिन थी, तो हर जमाने में, अब आजकल जो गालिब जबान है तहजीब की, इल्म तख्लीक हो रहा है अंग्रेजी में, तो ठीक अंग्रेजी जबान लिंगुआ फ्रांका हो गई, दुनिया भर में बोली जाने लगी। लेकिन जो मसलन
आपने एक सवाल पाकिस्तान के या हिंदुस्तान के कंटेक्स्ट में एक बात कही है, बिल्कुल इसी में तो है ना, तो मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि ये जितनी जबानें हैं ये सब उर्दू से पहले बोली जाती थी जी। मसलन पंजाबी जबान उर्दू से कदीम है, सिंधी जबान उर्दू से कदीम है, पश्तो जबान उर्दू से कदीम है, बलोची जबान उर्दू से कदीम है, सरायकी जबान उर्दू से कदीम है। चुनाचे कदामत की बुनियाद पर तो आप कोई बात नहीं कर सकते। अच्छा जो जिसकी जबान है, अच्छा फर्ज कीजिए कि ऊपर ब्रशिस की जबान बोली जाती है, बल्ती जबान बोली जाती है, चित्राली जबान बोली जाती है, चाहे वो कम लोग उसको बोलते हों मगर उनकी तो वो मादरी जबान जाती है, उनकी मदर लैंग्वेज, बिल्कुल उनकी मदर लैंग्वेज है, तो उसको महफूज होना चाहिए जी, बिल्कुल। मादरी जबानों का एहतराम किया जाना चाहिए, मादरी जबानों का एहतराम किया जाना चाहिए। और अगर फर्ज कीजिए सियासत इसको न समझा जाए तो ये कहने में कोई हर्ज नहीं है कि कौमी जबानों का ये जो कौमी जबानें हैं, जो सिंध अगर एक कौम है और जो जबान की बुनियाद पर अगर कौमों को आप मान लें जो एक तरीका है, तो सिंधी जबान का एहतराम किया जाना चाहिए और पंजाबी जबान का एहतराम किया जाना चाहिए, सराकी जबान का इस्तेमाल किया जाना चाहिए। अच्छा अब आ जाइए जो एक फेडरेशन होती है, अब अगर फर्ज कीजिए कि पंजाब का आदमी कोई सिंध में जाए तो किसी जबान में गुफ्तगू करेगा नहीं करेगा, तो वो उर्दू में गुफ्तगू करता है। जो सिंधी आदमी ऊपर कहीं जाएगा खैबर पख्तूनख्वा में तो उर्दू में गुफ्तगू करेगा, खैबर पख्तूनख्वा का आदमी पंजाब में आएगा तो उर्दू में गुफ्तगू करेगा। तो ये एक लिंगुआ फ्रांका है, ये राब्ते की जबान है, ये एक मुश्तरक जबान है, बस इसको इस तरह से समझा जाना चाहिए। वो मैं इसलिए सवाल कर रही हूँ, आप भी क्योंकि इंग्लैंड में रहे हैं, हम रह रहे हैं, कि यहाँ पे देखें स्कॉटिश है, आयरिश है, इंग्लिश है, इनके डिफरेंट हैं, बट दे रिस्पेक्ट ईच अदर्स लैंग्वेजेस, कोई उस तरह की बात नहीं। हमारे सब कॉन्टिनेंट में, हमारा इंडिया हो, पाकिस्तान हो, वहाँ पे जब कोई इस तरह की बात आती है तो तकलीफ होती है। रिस्पेक्ट वाला जो एलिमेंट है वो थोड़ा सबके लिए होना चाहिए। इतनी प्यारी आपने बात की कि मैं इसको इलाकाई का लफ्ज ही नहीं इस्तेमाल करता, बहुत खूबसूरत आपने बात की। और मैं अर्ज करूं कि जो आदमी अपनी मादरी जबान का एहतराम करता होगा वो किसी दूसरे की मादरी जबान का क्यों नहीं एहतराम करेगा एहतराम, बिल्कुल। अच्छा आपका एक शेर है इफ्तिकार भाई, एक जजीरा इसके आगे पीछे सात समंदर, एक जजीरा इसके आगे पीछे सात समंदर, सात समंदर पार सुना है एक खजाना है। मैं इस खजाने के बारे में आपका विजन जानना चाह रही हूँ कि क्या, कौन सा खजाना आप समझते हैं कि सात समंदर के आगे भी है खजाना। अनदेखी अनदेखी दुनिया जो होती है जी वो बहुत आपको हॉन्ट करती है, बहुत आपको। अच्छा अब जो आदमी मसलन कराची में रह रहा है, जो आदमी लाहौर में रह रहा है, जो आदमी पेशावर या क्वेटा में रह रहा है, उसके लिए फर्ज कीजिए लंदन की, अमेरिका की दुनिया जो है वो उसमें खजाने में सिर्फ दौलत ही नहीं होती, खजाने में इल्म भी होता है, पॉसिबिलिटीज भी, हर चीज पॉसिबिलिटीज भी होती है, फ्यूचर होता है। तो हमारे यहाँ पहले जमाने में एक मुहावरा बोला जाता था, सफर वसीले ज़फ़र जी, कि जो भी आप जब आप ट्रैवल करते हैं तो नए फ्रंटियर्स और नए दर खुलते हैं, नए दरवाजे खुलते हैं, इल्म का भी दरवाज़ा होता है, अपॉर्चुनिटीज का भी दरवाज़ा होता है जी। अच्छा अब उसमें बहुत से मसाइल होते हैं और लेकिन आदमी देखना चाहता है उसको, चाहे कुछ भी हो जाए। आपने बचपन में कहानियाँ सुनी होंगी, हमने भी सुनी जो दादियाँ और नानियाँ सुनाती थी वो, कि ये था और उससे शहजादे से ये कहा गया कि जो उस तरफ का जो दरवाज़ा है उधर नहीं जाना है,
बिल्कुल और वो हाँ शहजादा उसी तरफ जा रहा था। यानी उधर उस ना बात देखना पत्थर के बन जाओगे, कहानियों में ऐसी बातें थी, बिल्कुल सही। नई वो जो जस्तुजू है जो जो हाँ उसकी उसका सरिश्त है जानने की, वाह ये अननोन की तरफ, अनसीन की तरफ, जो नजर नहीं आता उसकी तरफ जाता जाता है, ये उसकी सरिश्त में है। तो वो जाता है उधर और एक्सप्लोर करता है उसको। और ये तो एक बाहर की दुनिया है, एक आदमी के वजूद की दुनिया होती है। उस वजूद में भी बहुत से रीजन्स होते हैं और हम उसको एक्सप्लोर नहीं कर पाते। हम 70 बरस के हो जाते हैं, हम 80 बरस के हो जाते हैं, मगर हमने बहुत सी चीज़ें एक्सप्लोर नहीं की होती। और हम फ़र्ज़ कीजिए 30 बरस की ज़िंदगी में टिके हुए होते हैं, हम 40 बरस की ज़िंदगी में फॉसिलाइज हो जाते हैं, बिल्कुल हम 70 बरस की ज़िंदगी में हमें वो जज्बा जो कभी फॉसिलाइज हो गया होता है वो रिलीव करते हैं। तो आपको ये अंदाज़ा होता है, तो हम उस पर एतराज़ करते हैं। कोई आदमी अपने आप को एक्सप्लोर करता हुआ किसी, यानी सही। कोई पेंटर होता है वो 80 बरस की 70 बरस की उम्र पेंटिंग शुरू करता है, लिखना शुरू करता है 60 बरस की उम्र में, 40 बरस की उम्र में। तो बस ये जिंदगी इसी 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 का नाम है। क्या बात है अरे भाई, टाइम हमारे पास थोड़ा रह गया, लेकिन आपके मैंने आपसे आपकी शायरी जरूर सुनना हम चाहेंगे, हमारे ऑडियंस बहुत पसंद करेंगे और उनकी ख्वाहिश होगी, तो आप कोई कलाम अपनी चॉइस का हमें प्लीज सुनाइए। मैं आपको एक छोटी सी नज्म है मेरी, जी इर्शाद मोहब्बत की आखिरी नज्म। जी, श्योर इर्शाद, बिस्मिल्लाह। जिंदगी में बस एक किताब है, एक चिराग है, एक ख्वाब है और तुम हो। मेरी जिंदगी में बस एक किताब है, एक चिराग है, एक ख्वाब है और तुम हो। मैं ये चाहता था किताब व ख्वाब के दरमियान जो मंजिलें हैं तुम्हारे साथ बसर करूं, यही कुल असासे ज़िंदगी है, इसी को ज़्यादा सफ़र करूं, किसी और सम नज़र करूं तो मेरी दुआ में असर न हो। मेरे दिल के ज़्यादा खुशखबर पे बजुस तुम्हारे कभी किसी का गुजर न हो, मगर इस तरह कि तुम्हें भी इसकी खबर न हो। वाह ये एहतियात में सारी उम्र गुजर गई, वो जो आरजू थी किताब व ख्वाब के साथ तुम भी शरीक हो, वही मर गई। इसी कश्मकश ने कई सवाल उठाए हैं, वो सवाल जिनका जवाब मेरी किताब में है न ख्वाब में। मेरे दिल के ज़्यादा खुशखबर के रफीक तुम ही बताओ फिर कि ये कारोबार हयात किसके हिसाब में। मेरी ज़िंदगी में बस एक किताब है, एक चिराग है, एक ख्वाब है और तुम। वाह 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 वाह, बहुत बहुत शुक्रिया अरे धन्यवाद। भाई, बहुत शुक्रिया, इतना मजा आया है। मैं आपकी इजाजत से, आप इतने बड़े शायर हैं, और आपकी इजाजत से कि मेरे खुदा मुझे इतना तो मोतबर कर दे, मैं जिस मकान में रहता हूँ उसको घर कर दे, ये रोशनी के तो आप खूब में भागता हुआ दिन जो थक गया है, तो अब इसको मुख्तसर कर दे। टाइम की किल्लत ना होती तो मेरा दिल चाह रहा था मैं आपके साथ और ये लंबी नशिश करती, लेकिन आपके बचपन को और आपकी उन यादों को आपने हमारे गिनी टीवी यूके के साथ शेयर किया, अपनी एक खूबसूरत एक किताब और एक चिराग की बात हमारे से शेयर की, वी आर रियली ग्रेटफुल, वी आर रियली रियली ग्रेटफुल आप आए। आखिर में 30 सेकंड में आप कोई पैगाम आज के अदबी लोगों को और आज की अदब पढ़ने वाली और किताब पढ़ने वाली यूथ को देना चाहे तो प्लीज आप ये आखिरी अपना मैसेज दीजिए। अर्ज करूं आसमानों पर नजर कर, अंजुमो महताब देख। आसमानों पर नजर कर, अंजुमो महताब देख। सुबह की बुनियाद रखनी है तो पहले ख्वाब देख।
आसमानों पर नजर कर अंजुमो महताब देख, सुबह की बुनियाद रखनी है तो पहले ख्वाब देख। जिंदगी में कुछ हासिल करने के लिए आपको पहले अपने हदफ का, अपने मकसद का तायुन करना पड़ता है। अपनी कुवतों और अपनी सलाहियतों और अपनी तवानाइयों को यकजा करना पड़ता है, मुश्तमा करना पड़ता है और फिर अपने सफ़र का आगाज़ इस यकीन के साथ करना पड़ता है कि अल्लाह सुब्हान ताला आपको बिलाशुबा आपकी मंजिल से हमकनार करेगा इंशाअल्लाह। थैंक यू सो मच, थैंक यू वंस अगेन, वी आर रियली ग्रेटफुल। अरे भाई, इतने टाइम में, लेट टाइम में आपने हमारा साथ दिया, बहुत शुक्रिया। आपके साथ दोबारा भी मुलाकात का सिलसिला बना और आप इंग्लैंड आए तो इंशाल्लाह ताला आपसे मुलाकात होगी। बहुत शुक्रिया। खवातीन हजरात, ये थे हमारे आज के बहुत खसूसी मेहमान और उम्मीद है आपने इंजॉय किया होगा और यकीनन किया होगा। अगर आपको प्रोग्राम पसंद आए, हमारे मेहमान पसंद आए तो गिमी टीवी यूके को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपनी राय से हमें ज़रूर मुतला करें ताकि हम आगे भी आने वाले मेहमान आपकी ख्वाहिश के मुताबिक अपने दर्श गुप्ता शो में शामिल करते रहें। इजाज़त दीजिए।